दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर फनी एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, प्लीज पॉज एंड रीड द डिस्क्लेमर। जो पिछला जो क्लिप मैंने दिखाया, इतना फालतू चीज़ें कौन करता है, सब टिकटॉक में, व्हाट्सएप में, सभी जगह पर देते रहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक अलग है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स गो। एक बार के लिए लगा कोरोना गया, कोरोना का राम नाम सत्य है, नो लॉकडाउन, नो मास्क, ओनली वैक्सीन, पर कोरोना भी लाइक, रुको जरा सबर करो। महाराष्ट्र में अचानक से कोरोना बर्स्ट हो गया, बाकी स्टेट्स ने सोचा भाई हम सब बच गए, भाई हम सब बच गए। उसके बाद पूरे इंडिया में जो हुआ सभी को पता है, पर यार जो भी बोलो गर्व होना चाहिए हमें, हमारे देश हर रोज कोरोना में नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, समझ सकते हो, रिकॉर्ड तोड़ केसेस आ रहे हैं हर रोज। तो लोगों ने बोला ठीक है, अगर लॉकडाउन फिर से लगा भी तो आईपीएल तो है इस बार ना, आईपीएल देखेंगे 2 महीने बैठ के। पर बीसीसीआई ने बोला छोड़ो यार, जाने दो आईपीएल भी। पर इस टाइम में सबसे ज्यादा खुश है कौन पता है? 10th और 11th के बच्चे। हाँ मैं भी 11th में पढ़ता हूँ, वो अलग बात है। और सबसे दुखी कौन है पता है? 12th के बच्चे। कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, 12th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है। बाकियों का एग्जाम 2 बार करके कैंसिल हो गया, पर 12th के नो नो नो। पर यार ये कोरोना बड़ा बदतमीज है, दूसरों के प्रॉपर्टी पे आके बैठ चुका है और जा ही नहीं रहा। और तू तो दूसरे देश से आया है ना, से 2 साल, मतलब 2 साल नहीं, 1 साल पहले आया और अभी भी नहीं जा रहा है। पहले एनआरसी करवा के आ भाई, हमारे देश में आके रहेगा तो एनआरसी करवा के आना पड़ेगा ना। और कोरोना तू तो चीन का है, तो चीन और इंडिया का ऐसे भी नहीं बनता, तो तू इधर क्या कर रहा है? 1 साल पहले आया, जा ना भाई, अब दूसरों के प्रॉपर्टी में आके बैठ चुका है, तू तो भाई बड़ा बदतमीज है भाई। कोरोना तेरी तो, ओए एक मिनट, तू कौन है, तू घर में कैसे घुसा? ओए हेलो, कौन है तू? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है कोरोना। तो तू कोरोना है? हाँ, मेरे घर पे भी आ गया। मेरा एक सवाल था, पूछ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ए मुंह संभाल के बात कर, बाप पे जाना नहीं। अब मैं अपने बाप पे बोला ना, बाप पे जाना नहीं। मतलब सीरियसली आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, मतलब तू पिछले साल आया था 2020 में COVID-19 नाम से, इस बार तू नया वाला आया है 2021 में, पर फिर भी तेरा नाम COVID-19 क्यों है? तुम लोगों ने रखा है नाम, मुझे क्या पता, एक तो क्या बेकार सा नाम है, कोरोना कोविड क्या है ये? भाई मुझे कुछ बोलना है। क्या बोल? अरे तू जा रही, मैं तो खुशी खुशी चला गया था, पर नहीं, मैंने जाते ही तुम लोगों का पर निकाला है। मैंने सोचा यार बेचारों को छोड़ देता हूँ, मैं जाते ही तुम लोग घूमने जाने लगे, गले मिलने लगे, शादी करने लगे, और मास्क को तो जीवन से बाहर ही निकाल दिया। क्या सोचते मैं चला गया मतलब मास्क सैनिटाइजर कुछ नहीं लगेगा, सबको बाहर निकाल दिया। अब भुगतो। उस दिन तो एक आदमी को देखा लोकल ट्रेन में कोई काम नहीं, ऐसे ही जाके खड़े हुए हैं, लोगों से कह रहे हैं बहुत दिन लोकल ट्रेन में नहीं आया, भीड़ में लोगों का पसीना नहीं सूंघा, सोचा थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो जाएगा इसलिए ट्रेन पे आके खड़े हुए हैं। ऐसा कोई काम नहीं है, मतलब कुछ भी, ऊपर से इलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया, खेला हबे, अब होगा खेल, मैं दिखाऊंगा कैसे खेलते हैं। पहले खुद फैलाते हो, उसके बाद मुझे गाली देते हो, मतलब खुद फैला के मुझे गाली दोगे, अच्छा, और मेरे ऊपर फिर से वीडियो भी बना दोगे, वाह। वीडियो बना के मतलब कुछ भी करोगे, पर खुद की गलती भाई नहीं माननी, मास्क हम नहीं पहनेंगे पर कोरोना किसने फैलाया? कोरोना ने, उसकी गलती है सारी, चीन की गलती है, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। अरे तुम लोगों ने तो सिचुएशन को नॉर्मल होने का टाइम ही नहीं दिया कि मैं जा सकूँ ठीक टाइम पे। तुम लोगों के वजह से वापस आया हूँ, सिर्फ तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की गलतियों की वजह से। अब चिल्लाते रहना कोरोना गो गो करोना, गो करोना, गो करोना, करोना गो, करोना गो, गो करोना।
यार तूने ऐसे सही बोला, पर मेरा एक सवाल है, मतलब मुझे कुछ बोलना है। क्या बोल? निकल, पहली फुर्सत में निकल। रुक, अब तक तो तेरे घर में घुसा था, अब तेरे अंदर घुसूंगा। आ जा, आ जा, आ जा। अरे नहीं प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज भाई छोड़ दे। नहीं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा भाई, प्लीज छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बड़े बड़े माँ बाप है, प्लीज यार छोड़ दे, छोड़ दे प्लीज यार, प्लीज। मर गया मर, ला 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 ला। गाइस थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आया तो माफ कर देना, थोड़ा आएगा बैकग्राउंड नॉइज, मुझे कुछ बोलना है। गाइस मेरा नाम है झूठा लाल माल, मैं हूँ शायन माल का भाई। आपने वीडियो में देखा कि वो मर गया, बहुत सैड लगा, सिर्फ 15 साल की उम्र में मर गया। ठीक है, मैंने उसको खुद देखा है, घंटों बैठ के मेहनत करता है, 2-3 घंटे रोज बैठता है, बैठ के फैन भी नहीं चलाते एक तो इस गर्मी में। आज तो फिलहाल उतनी गर्मी है नहीं, बहुत बारिश चल रही है, पर यार मेहनत किया इतना फिर भी मर गया। ये उसका लास्ट वीडियो था। मैंने सुना है कि अगर कोई इंसान मरता है उसके बाद उसकी कदर बढ़ जाती है। प्लीज़ यार उसकी इस लास्ट वीडियो को शेयर करवा के कुछ कर दो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने बोला था उसको थोड़ा ड्रेस कम चेंज करना चाहिए एक वीडियो में, तो उसने एक बार भी ड्रेस नहीं चेंज किया। ऊपर से आप लोगों ने बोला था थोड़ा म्यूज़िक डालिए, म्यूज़िक भी डाला था। ऊपर से आप लोगों ने बोला था थोड़ा कुछ अलग करो, वो भी किया था वाइन टाइप करके। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मेरा भाई मर गया। बाय।